आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत बज्जू तेजपुरा, पंचायत समिति बज्जू, जिला बीकानेर। नव निर्वाचित सरपंच श्रीमती परमेश्वरी देवी बांबू वे सरपंच प्रतिनिधि ने आरपीडी न्यूज को बताया कि महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हम पंचायत क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा प्रथम मुद्दा रहेगा। तो आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा के साथ खास मुलाकात में श्रीमती परमेश्वरी देवी जी वे सरपंच प्रतिनिधि जी के विचारों को। आरपीडी न्यूज से बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बज्जू तेजपुरा के जो महिला सरपंच गांव के लोगों ने मान सम्मान दिया परमेश्वर जी, उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या है। तो विशेष तौर से हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाएं आजकल राजनीति में किस प्रकार से अहम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। विशेष तौर से राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो महिलाएं और राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका अदा कर रही है। तो विशेष तौर से बातचीत करते हैं परमेश्वर जी, बात करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या रहेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। तो सरपंच साहब कैसा महसूस हो रहा है, गांव की जनता ने आपको मान सम्मान दिया और इस पद पे बिठा दिया, कैसा महसूस कर रहे हो? गांव के लोगों को क्या कहना चाहिए, जीत का श्रेय सबसे पहले किसे देंगे आप? गांव की जनता को देंगे। आप कितने? जी जी, तो सर मतलब पहले भी किसी पद पे रहे और पहली बार आप इस पद में हैं? पहले घर का काम करते थे और घर से, घर की जो चार दीवारों से बाहर निकले हैं कि मैं गांव पंचायत की सेवा करूं, इस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में आए थे और गांव की जनता ने आपको मुकुट पहनाया। सबसे पहले मैं गांव की महिलाओं को बहुत अच्छी बात की। विशेष तौर से इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले गांव के महिलाओं को जागृत करना चाहती हूं, उनको उनके मुद्दे उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मैं आगे आऊंगी। समझा, विशेष तौर से आप महिला हैं और महिला का दर्द है वो महिला ही जानती है, तो महिलाओं पे आज जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, आगे जी जी, गाँव में तो महिला घर पर ही, जी जी, बहुत अच्छी बात की कि महिला के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उनका निवारण करूंगी, उनको समझाइश करूंगी, वो उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की ये बात करें। सुनसा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कहां तक सही मानते हैं, कहां तक गलत मानते हैं वर्तमान में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। महिलाओं के अधिकारों के प्रति, साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ये बात कह रहे हैं कि मैं अभी सरपंच गांव की बनी हूँ तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि गांव की कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। साथ ही अपने सरपंच प्रतिनिधि है उनसे बातचीत करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या रहेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। विशेष तौर से हमने यहाँ सुना कि बज्जू तेजपुरा के अंदर युवाओं का काफी सहयोग रहा आपके यहाँ पे, तो युवा होने के विशेष तौर से आप भी युवा हैं, महिला युवा जनप्रतिनिधि आपने गांव से, गांव की सरकार, गांव के लोगों ने सुनी है, तो युवा होने के नाते युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, युवाओं के लिए क्या करवाएंगे? युवाओं के लिए खेल का मैदान, जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल रोजगार, और युवाओं के लिए सरपंच साहब इस क्षेत्र की अपने जैसे बात करते हैं, सरपंच साहब इस क्षेत्र में अपने आज भी क्या है नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, इससे क्या लाखों लोगों के घर है बेघर हो गए हैं, तो आपके क्या प्रभावी कदम रहेंगे नशे के बारे में? सब मेरे तो यही है कि नशे से दूर रहे। जी जी, सो बिना से कदम पाए तो हम नशे से दूर। ग्राम पंचायत के लोगों को समझाइश बुझाइश करेंगे कि नशे से दूर रहे। धन्यवाद सर, आपने न्यूज़ में समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।